हमारे YouTube चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कोई भी वीडियो छूटने ना पाए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फीचर्स बताने वाला हूं जिनको न तो आज से पहले आपने कहीं देखा होगा और न ही किसी से सुना होगा। ऐसे फीचर्स बहुत ही कम होते हैं और बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये ज़बरदस्त वीडियो। सबसे पहले फीचर का नाम है फिंगरप्रिंट। तो फिंगरप्रिंट इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में WhatsApp को ओपन करना है। WhatsApp को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, फिर सेटिंग पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद अकाउंट पर जाना है। अकाउंट के बाद पहले नंबर पर प्राइवेसी है, उस पर जाना है। प्राइवेसी पर जाने के बाद नीचे से ऊपर आएंगे तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक लिखा हुआ है सबसे नीचे, इस पर ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ से इसे चालू कर देंगे और चालू करते ही आपके फिंगरप्रिंट मांगेगा तो आप अपनी फिंगर लगा दीजिएगा। फिंगर लगाने के बाद पहले नंबर इमीडिएटली पर क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद बिल्कुल वापस आ जाइएगा होम स्क्रीन पर जहाँ पर WhatsApp ऐप दिखाई पड़े। उसके बाद आपको चेक करना है फिंगर लगी या नहीं लगी, तो आपको WhatsApp को ओपन करना है। ये देखिए फिंगर मांग रहा है, मैंने फिंगर लगा दी और मेरा काम हो गया है ना दोस्तों। ये बहुत ही कमाल की ट्रिक। ऐसी ही बहुत सी ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ट्रिक है चैट बैकअप की ट्रिक। आपने देखा होगा कि जो है जब आप नए फ़ोन में WhatsApp इंस्टॉल करते हैं या पुराने फ़ोन में ही फ़ोन को रीसेट करके WhatsApp इंस्टॉल करते हैं तो आपके फ़ोटो, वीडियो और रिकॉर्डिंग वगैरह, डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, सब कुछ कट जाते हैं। अब से ऐसा नहीं होगा। आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं होगा। इसे चालू करने के लिए हमें सबसे पहले वहीं पर क्लिक करना होगा जहां पहले किया था, फिर सेटिंग्स पर जाना होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर चैट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर जाना होगा। चैट्स पर जाने के बाद स्क्रॉल कीजिएगा थोड़ा। स्क्रॉल करने के बाद नीचे से दूसरे नंबर पर ऑप्शन मिलेगा चैट बैकअप, इसके सामने तीर का निशान लगा हुआ है, घबराइएगा मत। चैट बैकअप पर क्लिक करके फिर स्क्रॉल कीजिएगा, फिर देखिए यहाँ पर जो है पहले नंबर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर दूसरे नंबर पर टैप कर दीजिए जहाँ पर लिखा हुआ है ओनली व्हेन आई टैप बैकअप। एक गूगल अकाउंट सिलेक्ट कर दीजिए, मेरा पहले सिलेक्ट है, आपके में जो हो उसे सिलेक्ट कर दीजिएगा, जैसे मैंने इसको ही सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद दूसरे नंबर पर कर दीजिए वाईफाई और सेलुलर। इसका मतलब होता है कि आप वाईफाई या डाटा दोनों से ही कर सकते हैं। उसके बाद इसे ऑन करने से आपकी वीडियो भी वापस आ जाएंगी। आप बैकअप चाहें तो अभी ले सकते हैं, चाहे बाद में ले सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बैकअप अभी लेके दिखाता हूँ। यहाँ बैकअप पर क्लिक कीजिए। बैकअप पर क्लिक करने के बाद कुछ 15-20 सेकंड के अंदर बैकअप आ जाएगा, क्योंकि इसका साइज 15 MB है। अगर आपके में ज़्यादा फ़ोटो मीडिया होंगे तो आपका साइज ज़्यादा बड़ा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट लग जाएगी बस, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए बैकअप हो चुका है। और ये जानने के लिए बैकअप हुआ है कि नहीं, सबसे पहले वापस आइए, बिल्कुल वापस आइए और अपने मोबाइल में एक ऐप ओपन कीजिए, गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्लिक कीजिए और उसके बाद चौथे नंबर पर ये बैकअप दिखा रहा है, इसके आगे भी देखो तीर का निशान है, वहाँ पर भी तीर था, यहाँ पर भी तीर है। तो बैकअप पर क्लिक कीजिए, ये देखिए प्यारे बैकअप दिखा रहा है 10:16 सुबह का टाइम AM। ये देखिए 10:17 हुए हैं, अभी 1 मिनट पहले हमने बैकअप लिया है। तो दोस्तों ऐसा करने के बाद आपके मोबाइल में जब आप WhatsApp इंस्टॉल करेंगे, चाहे रीसेट करके इंस्टॉल करें, चाहे नए मोबाइल में इंस्टॉल करें पुराने नंबर से, इससे ऐसा करने से जो है आपके फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्डिंग, जो भी माल मसाला होगा सब वापस आ जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। 100% बैकअप होगा, 100% सब चीज़ आएगी, एक फ़ोटो तक नहीं कटेगा, है ना दोस्तों। ये भी कमाल की ट्रिक। अब आते हैं तीसरी ट्रिक पर।
तीसरी ट्रिक का नाम है टू स्टेप वेरिफिकेशन। और तीसरी ट्रिक इन सभी पांचों ट्रिक में सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली है इन पांचों में। तो इसे चालू करने के लिए सबसे पहले हमें व्हाट्सएप ओपन करना होगा। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद हमें वहीं पर क्लिक करना होगा, फिर सेटिंग्स पर जाना होगा। सेटिंग्स पर जाने के बाद अकाउंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर हमें दिखाई देगा टू स्टेप वेरिफिकेशन। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इनेबल पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर 6 अंकों का एक पिन डालना है और वही पिन यहाँ पर आपको दोबारा कन्फर्म करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक ईमेल एड्रेस डालना है और वही ईमेल एड्रेस दोबारा से यहाँ पर डालना है कन्फर्म करने के लिए। इसके बाद आपको नीचे दिए गए बटन इनेबल पर क्लिक करना है। उसके बाद एक और बटन नीचे दिया गया है डन, उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना पिन डाल सकते हैं और व्हाट्सएप खोल सकते हैं। इस पिन को हमेशा याद रखिएगा, जब आप व्हाट्सएप दोबारा इंस्टॉल करेंगे तब आपको इस पिन की खासा ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आते हैं चौथी ट्रिक पर, जिसका नाम है चेंज नंबर। जब भी आप अपना नंबर चेंज करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके नए नंबर से आपका पुराना व्हाट्सएप चलता रहे और सब लोगों को आपके नंबर भी मिल जाए, एक एक करके आपको सब लोगों को अपना नंबर न देना पड़े, तो उसके लिए एक न्यू ट्रिक है। उसके लिए आपको वहीं पर क्लिक करना होगा और सेटिंग्स पर जाना होगा, फिर अकाउंट्स पर जाना होगा। उसके बाद चौथे नंबर पर चेंज नंबर लिख कर आ रहा है, यहाँ पर जाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट करके आपको ऊपर पुराना और नीचे नया नंबर भरना है, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको पहले ऑप्शन ऑल कॉन्टैक्ट सिलेक्ट कर देना है और नए नंबर पर आपके OTP आएगी, वो यहाँ पर भर देनी है और आपका काम होगा। अब आते हैं पांचवी सबसे आखिरी और सबसे शानदार ट्रिक पर। यदि आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप डिलीट हो जाए, आप व्हाट्सएप नहीं चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये तरीका अपनाएं। सबसे पहले वहीं पर क्लिक करें जहाँ मैं हमेशा बताता आया हूँ और सेटिंग पर क्लिक करें। उसके बाद अकाउंट पर क्लिक करें। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद 6वें नंबर पर सबसे लास्ट में डिलीट माई अकाउंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करें। इसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए और फ़ोन नंबर डालने के बाद एक ऊपर छोटा सा तीर होगा, उस पर सिलेक्ट करके अदर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। और अदर ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर वाला बटन दबाइए और उसके बाद नीचे वाला बटन दबाइए, इससे आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। धन्यवाद। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।